ये काफी दुखद है, कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई, काफी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। बाबा सिद्दीकी की कल देर रात हत्या कर दी गई और इसको लेकर के देखिए सियासत जो है वो बिहार में काफी हो रही है, लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है। अब इसको लेकर के देखिए नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या होने पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह का लोकेशन और इस तरह के जगह पर अगर इन ऐसे नेताओं को, बड़े नेताओं की हत्या कर दी जाती है तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही थी। हम सबसे पहले सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली जाने से ठीक पहले पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या पर, सुनाते हैं उनके पूरे बयान को। ये काफी दुखद है, कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई, काफी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई। अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पूरे बयान को। कल बीती रात जिस तरीके से NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई उसको लेकर के देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर खूब हम बरस रहे हैं, खूब हमला कर रहे हैं अपने बातों से और कह रहे हैं कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुंबई जैसे शहर में अगर इस तरह का घटना होता है तो आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा सिद्दीकी बिहार के ही रहने वाले थे और हम लोगों से काफ़ी अच्छी जो रिलेशनशिप था वो था, पारिवारिक संबंध था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई है, काफ़ी दुखद माहौल है, हम लोग उनके परिवार के संग हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो कल देर रात बीती रात जिस तरीके से NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, अब उसको लेकर के देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य सरकार पर खूब बरस रहे हैं। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पूरे बयान को। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।